शाम हो चुकी है और हम आ चुके हैं छत पे। आज पूरे दिन हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस वही सोए उठे और कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी, दिन भर फ़ोन चलाया और कुछ नहीं किया। लेकिन शाम हो चुकी है और क्योंकि हमारी कुछ दिन की छुट्टियाँ हैं तो हमने सोचा प्लांट्स की केयर कर ली जाए, बिकॉज़ जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो सिर्फ इन्हें पानी देते हम, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। तो आज ये करते हैं और look at this. बहुत टेस्टी होती है। लेकिन बस इतने ही पके। ये हमारे छठ पूजा का डेकोरेशन है जो अब तक यहाँ लगा है, और यार अब तो इसे तोड़ ही देते हैं, बिकॉज इसका तो कलर भी चला गया है, लेकिन बहुत टफ है, हमें इसे लिटरली तोड़ना पड़ेगा लाइक दिस। ओ ओ यार, आज सुबह एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। हमारा एक प्यारा सा गुड़हल किला था जिसको हम भगवान जी को चढ़ा सकते थे, बट यार मैंने ध्यान नहीं दिया बिकॉज ये ऐसे छुपा हुआ था, दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, नया खिलेगा हम वो चढ़ा देंगे। और फिलहाल यहाँ पे सनसेट का टाइम करीब आ रहा है, फिलहाल हम अपने काम करते हैं। यार ये हमारी चिड़ियों के लिए पानी है, जो मैंने खत्म सोचा तो नहीं था, लेकिन आज का जो हमारा डे है वो इनडायरेक्टली प्लांट केयर डे बन गया है। तो जब हमने पानी दे दिया, इनकी गुराई कर दी है, तो क्यों ना प्रूनिंग भी कर दे और इन्हें इनकी ताकत के लिए खाद भी दे दे। तो मेरे पास ये खाद है, तो हम अपने सारे पौधों को थोड़ा थोड़ा दे देंगे ताकि इन्हें ताकत मिलता रहे। और शाम के वक्त ही खाद देना चाहिए, क्योंकि सुबह धूप भी रहेगी, खाद भी रहेगी, तो जचेगा नहीं। तो चलो इनकी जो टहनियाँ लंबी लंबी हो गई है उनकी प्रूनिंग कर देते हैं और इन्हें खाद भी दे देते हैं, और ऐसे पूरे प्लांट का प्लांट केयर ख़त्म हो जाएगा। फाइनली हमारे सारे दिन के काम ख़त्म हो चुके हैं और संध्या हो चुकी है, सूर्य भगवान अस्त हो चुके हैं और हमने अपनी संध्या पूजन करके आज का दिन ख़त्म किया। तो आज के व्लॉग को भी यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।